मुंबई में मंत्रालय की इमारत के खुदकुशी पॉइंट बनने से प्रशासन चिंतित, पूरी इमारत को नायलॉन के नेट से किया कवर। सामना में शिवसेना ने की मंत्रालय में नेट लगाने पर चुटकी, कहा सरकार ऐसा करे जिससे किसानों को ना करनी पड़े खुदकुशी। मुंबई के लिए बीएमसी अब बनाएगा आपदा राहत दल सीडीआरएफ, मानसून के दौरान मुंबईकर की मदद करेगा ये दल। मुंबई के पांचों चुंगी नाकों की सुरक्षा होगी दुरुस्त, सभी नाकों पर दीवारों के साथ लगेंगे लोहे के गेट। मुंबई में मध्य रेलवे में मोटरमैन की भारी कमी, 834 की जगह 604 मोटरमैन के भरोसे चल रही है लोकल, 230 पद हैं खाली। सुजवा आतंकी हमले में शहीद राकेश चंद्र का पार्थिव शरीर पहुंचा देहरादून, सैनिक सम्मान के साथ श्रद्धांजलि। महार रेजिमेंट में हवलदार थे राकेश चंद्र, वीर सपूत को नम आंखों से परिवार और चाहने वालों ने दी विदाई। तिरंगे में लिपटे शहीद सीआरपीएफ जवान मुजाहिद खान का शव पहुंचा पैतृक गांव, शहीद के सम्मान में उमड़ा पूरा शहर। श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप के हमले में शहीद हुए थे मुजाहिद खान, बिहार के आरा के रहने वाले थे जाबाज मुजाहिद। सीआरपीएफ कैंप की 23वीं बटालियन पर हमला करने आए थे आतंकी, 32 घंटे तक चले ऑपरेशन में दोनों आतंकी किए गए थे ढेर। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों को लेकर राहुल ने पीएम मोदी की नीतियों पर उठाए सवाल, ट्वीट में लिखा पीडीपी बीजेपी के बीच दुविधा में फंसे हैं प्रधानमंत्री। राहुल ने लिखा पीडीपी कहती है पाकिस्तान से बात हो, बीजेपी कहती है पाकिस्तान को कीमत चुकानी होगी, इस अवसरवादी गठबंधन की कीमत चुका रहे हैं जवान। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अपने आवास पर बुलाई है बैठक, सीनियर नेताओं के साथ चर्चा। कृषि संकट को लेकर पीएम मोदी करेंगे जानकारों के साथ मंथन, दिल्ली के पूसा एग्रीकल्चरल कॉम्प्लेक्स में होगी बैठक। 19 और 20 फरवरी को होगी बैठक, किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर विचार। मिशन 2019 पर जुटी बीजेपी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली में लॉन्च करेंगे जल मिट्टी रथ यात्रा, जगन्नाथ मंदिर की जल मिट्टी का होगा इस्तेमाल। 2019 में बीजेपी की विजय के लिए रथ यात्रा के समापन पर महायज्ञ का आयोजन, 108 हवन कुंड में 2100 पुजारी कराएंगे हवन, 51,000 लोग रहेंगे मौजूद। मध्यप्रदेश में बीजेपी ने चुनावी जीत के लिए लगाया जोर, फिर से शुरू किया घरों पर मेरा घर बीजेपी का घर स्लोगन लिखने का अभियान। मोदी केयर पॉलिसी को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, केंद्र सरकार नहीं कर सकती मजबूत, राज्य सरकार कहां से देगी 40% फंड। पकौड़ा पॉलिटिक्स पर संजय राउत ने ट्वीट किया, एक कार्टून लिखा था एक कदम संपन्नता की ओर। वरुण धवन और अनुष्का की फिल्म सुई धागा का पोस्टर लॉन्च, फिल्म में अनुष्का का मजेदार किरदार। शादी में डांस करने से फिल्म स्टार रणवीर सिंह ने किया परहेज, 2 करोड़ का ऑफर ठुकराया। वैलेंटाइंस डे पर करण जौहर की पार्टी का सभी को इंतजार, बॉलीवुड में करण जौहर की पार्टी होती है खास। जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर दिखेगी सैफ, अमृता की बेटी सारा अली खान फिल्म केदारनाथ से कर रही हैं डेब्यू। वैलेंटाइन डे पर टाइगर श्रॉफ बिजी, फिल्म बागी 2 की हीरोइन दिशा पाटनी को कर रहे हैं डेट। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।